हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बड़ी ही फेमस इलेजी बाय थॉमस ग्रे, और जिसका टाइटल है इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, मीन्स ऑथर और जो इलेजी रही है इसकी क्या स्पेशलिटीज़ रही हैं। इसी के साथ साथ इसका कंप्लीट टेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर ऑथर की बात करें थॉमस ग्रे की, थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो ग्रे रहे हैं वो 18th सेंचुरी के पोएट रहे हैं, और एक्चुअली उनको जो कहा जाता है, एक टर्म उनके लिए दिया जाता है, और वो है फ्रेंड ट्रांजिशनल पोएट। ट्रांजिशनल पोएट, और ट्रांजिशनल पोएट वो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने दोनों ही एज जी, मीन्स वो क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म दोनों ही उनकी पोएट्री में हमें दिखाई देते हैं। मीन्स उन्होंने जो अपना करियर शुरू किया था वो किया एज अ क्लासिसिस्ट। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब देखें, उनके जो क्लासिसिस्ट थे, क्लासिसिज्म उनकी पोएट्री में हमें दिखाई देता है। तो उसमें जो उन्होंने फॉलो किया था, जो उनके एंशंट मास्टर्स थे, उनके रूल्स उन्होंने फॉलो किए, और इसी के साथ साथ उनकी जो पोएट्री है उसमें एक खास बात हमें दिखाई देती है, वो दिखाई देती है फ्रेंड्स डायडेक्टिक टोन, यानी वो उपदेशात्मक शैली उस पोएट्री में उनकी दिखाई देती है। क्योंकि वो कहते हैं एक जगह कि लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। ये किस तरह की लाइन है, ये बताती है उनकी डायरेक्टिक टोन को। और इसी के साथ साथ उन्होंने एम किया क्लैरिटी को, और जो ऑब्सोलीट वर्ड्स थे उनका जो यूज़ है वो उन्होंने अवॉइड किया। इसी के साथ साथ जो क्लासिसिज्म की अगर बात करें तो उसमें कुछ ट्रेट्स क्लासिसिज्म के हमें दिखाई देते हैं, जिसमें हमें मिलता है पर्सोनिफिकेशन का यूज़, एलिगरी, मोरलाइजिंग फैक्ट्स और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स हमें दिखाई देते हैं, और दिखाई पड़ता है हमें आर्टिफिशियलिटी, और इसी के साथ साथ लॉफ्टीनेस ऑफ डिक्शन एंड स्टाइल दिखाई देता है, एंड लव फॉर द फॉर्म वो भी हमें जो क्लासिसिज्म है उसमें दिखाई पड़ता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो उनका जो करियर रहा वो क्लासिसिस्ट के रूप में शुरू किया, और जो उसको एंड किया उन्होंने वो किया एज अ रोमांटिसिस्ट। रोमांटिसिस्ट, क्लियर? तो उनको कहें जैसे दूसरे रोमांटिक्स थे, तो अगर हम देखें तो उनकी जो पोएट्री है वो भी सब्जेक्टिव हमें दिखाई पड़ती है, और उन्होंने अपनी पोएट्री में नेचर नेचर को डिपिक्ट किया। वो टाउन लाइफ से विलेज लाइफ की तरफ मूव करते हैं, और लाइक अदर रोमांटिक्स ही इज मेलनकली। उनमें हमें क्या दिखाई पड़ता है, उनमें हमें मेलनकली भी दिखाई देती है। ही लव्स द पुअर, और जो डाउन ट्रोडन है, गरीब हैं, डाउन ट्रोडन हैं, दलित हैं, उनके प्रति उनका एक जो प्रेम है वो दिखाई देता है। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो ये तो थी ऑथर के बारे में कुछ बातें, बाकी जो बायोग्राफी होगी उसमें डिटेल स्टडी ऑथर की मिलेगी हमें। अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी पोएम की, जो बैकग्राउंड है उस पर नज़र डाल लेते हैं। इस पोएम की अगर बात करें तो ये वाइडली नोन इलेजी है, और इसको पोएट ने 1742 में लिखना शुरू किया था, और 1750 में ये लिख के कंप्लीट हो गई। और एक्चुअल में उन्होंने इसको कंप्लीट किया था जब वो रह रहे थे सेंट गाइल्स, जो पेरियस चर्च है कहाँ पर, स्टॉक पॉजेस, जब वो रह रहे थे सेंट गाइल्स में, तब उन्होंने इसको लिखना कंप्लीट किया था। और ये जो पब्लिश हुई राइट, जब कंप्लीट हुई थी 1750 में, तो उसके नेक्स्ट ईयर यानी 1751 में ये जो पोयम है वो पब्लिश हो गई। और इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है फ्रेंड्स, स्टेंजाज रोट
इन अ कंट्री चर्चयार्ड। क्लियर फ्रेंड्स, स्टेंजाज रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये ओरिजिनल टाइटल है और वैसे जानी जाती है इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के नाम से। और इस पोएम को ग्रे ने भेज दिया, अपना एक फ्रेंड था उनका होरेस वालपोल, वालपोल के पास भेजा उन्होंने इस पोएम को, और वालपोल ने इस पोएम को पॉपुलर बना दिया। पोएम एक इलेजी है, लेकिन एक्चुअली अगर देखें तो ये जो इलेजी के नॉर्म्स हैं उनको पूरा नहीं करती। ये एक जो कंटेम्पोरेरी ओड थी, ओड के स्टाइल में ऑथर ने इसको लिखा है, लेकिन चूंकि ये रिफ्लेक्ट्स करती है डेथ को और रिमेम्बरेंस आफ्टर डेथ, तो इसलिए इसको रखा जाता है किसकी कैटेगरी में, इलेजी की कैटेगरी में। क्लियर फ्रेंड्स, और ये इलेजी ना तो पर्सनल है और ना ही इम्पर्सनल है, यानी एक मिक्सचर है दोनों का। अगर हम कहें ये इलेजी कैसी है, पर्सनल की इम्पर्सनल, नो, अ मिक्सचर ऑफ बोथ। क्लियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर ग्रे क्या करते हैं, एक ग्लोइंग ट्रिब्यूट देते हैं विलेज फोर फादर्स को, जो एक गांव के पुरखे हैं उनको एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने अपनी जो लाइफ है वो सिंपल वर्क्स में डिवोट कर दी। क्लियर फ्रेंड्स, और एक्चुअल में बात करें तो इस इलेजी के बारे में डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं कि ये जो इलेजी है ये एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन है ऑन द मेलनकली ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जो मेलनकली ड्रामा है ह्यूमन लाइफ का उसका एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ये इलेजी है। क्लियर, क्योंकि यहाँ सिंपैथी दिखाई पड़ती है ग्रे की पुअर विलेजर्स के लिए, जिन्होंने जिनमें टैलेंट था लेकिन उनका टैलेंट कैसा रहा, ऑब्सक्यूर रहा, गूढ़ रहा। क्लियर फ्रेंड्स, और चलिए मीटर की भी बात अभी साथ साथ कर लेते हैं। पोएम की अगर बात करें तो ये लिखी गई है, ये जो इलेजी लिखी गई है इसका मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर। क्लियर फ्रेंड्स, एक लिरिकल ब्यूटी इसमें हमें दिखाई पड़ती है। तो चलिए अब लेते हैं हम इसका टेक्स्ट, एक एक स्टेंजा एक्सप्लेन करते चलते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। तो कर्फ्यू टॉल्स, कर्फ्यू मीन्स घंटी, और जो शाम की घंटी है वो बजती है, यानी चर्च में घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो ये इस बात का प्रतीक है, वो ये बताती है कि जो दिन है वो अब समाप्त होने वाला है। पहली लाइन क्लियर फ्रेंड्स, तो फिगर स्पीच ओनोमेटोपोई हमें दिखाई देती है इस पे, क्योंकि कर्फ्यू टॉल्स घंटी के बजने की आवाज आवाज हमें सुनाई दे रही है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, और जो लोइंग हर्ड, लोइंग हर्ड का मतलब है रंभाते हुए जो पशुओं का झुंड है। मूव स्लोली मीन्स वो स्लोली चलता है, ओवर द ली, ली कहते हैं फ्रेंड्स ग्रासलैंड, जो चरागाह है, रंभाते हुए पशुओं का जो झुंड है वो धीरे धीरे चरागाह पर चलता है। क्लियर फ्रेंड्स, यानी चरागाह में जानवरों के रंभाने की आवाज सुनाई पड़ रही है। क्यों सुनाई पड़ रही है? द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वियरी वे, क्योंकि जो प्लोमैन है, जो हलधर है, हलवाहा है, यानी जो किसान है, होमवर्ड घर की ओर प्लोड्स हिज वियरी वे, अपना रास्ता थका हुआ तय करता है। मीन्स किसान थका हुआ है और वो शाम के समय क्या करता है, अपना जो रास्ता है घर की ओर वो तय कर रहा है, और परिश्रम करके वो खेतों से लौट रहा है। यहाँ एक और फिगर स्पीच हमें दिखाई देती है फ्रेंड्स, और उसमें है वियरी वे, यानी क्या, थका हुआ रास्ता। अब एक्चुअल में थका हुआ कौन है, वो तो प्लोमेन है, द वियरी प्लोमेन होना चाहिए था, लेकिन ऑथर ने किसको बता दिया, थका हुआ रास्ता, रास्ते को थका हुआ बता दिया। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि आजकल बड़े अलसाए हुए दिन हो रहे हैं, तो दिन अलसाए हुए नहीं होते, अलसाए हुए तो हम होते हैं। क्लियर, तो इसी तरह यहां अगर हम फिगर स्पीच की बात करें तो ये क्या है फ्रेंड्स, ट्रांसफॉल्ड एपिथेट, ट्रांसफॉल्ड एपिथेट,
एक्चुअल में इस ट्रांसफर्ड एपिथेट पे क्या करता है ऑथर, जिसकी विशेषता बतानी है उसको वहां जो एडजेक्टिव यूज करना चाहिए था वहां ना करके वो उसको ट्रांसफर कर देता है, क्लियर। तो दूसरी जगह वो उस एडजेक्टिव को लगा देता है। एक्चुअल में क्या, किसको यहाँ एडजेक्टिव कहाँ लगाना था, वियरी प्रोमेन से लगाना था, लेकिन लगा दिया कहाँ, वे को थका हुआ बता दिया, तो क्या हो गया, ट्रांसफर्ड हो गया, क्लियर। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट एक फिगर स्पीच यहाँ में दिखाई पड़ती है इस होमवर्ड क्लोज। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो प्लोमेन है, जो हलवाहा है यानी जो किसान है, वो सारे दिन मेहनत करने के बाद हारा थका अपने घर को वापस लौट रहा है, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और वो घर जाकर क्या करेगा, इस संसार को अंधेरे में छोड़ देगा, यानी अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, एंड और जो संसार ये सो जाएगा, और इसी के साथ साथ वो मुझे भी छोड़ देगा, यानी यानी अब केवल जो कवि है वो गांव के कब्रिस्तान में है, बाकी सब जाके सो जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो पहला स्टेंजा क्लियर हुआ, चलिए बढ़ जाते हैं सेकंड स्टेंजा पे। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट, फेड्स, फेड्स का मतलब है फ्रेंड्स कि आंखों से ओझल हो जाना। द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट, और ग्लिमरिंग का मतलब है जो डिमली विजिबल, जो धीमे, जो धुंधला दिखाई देता है, यानी अंधेरा फैलेगा और जो लैंडस्केप है, जो भूदृश्य है, वो धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाता है, अंधेरा फैलता है, जैसे ही अंधेरा फैलता है वो जो भूदृश्य है, जो भी दिख रहा है हमें, धरती दिख रही है, वो आंखों से धीरे धीरे ओझल हो जाती है। क्लियर फर्स्ट लाइन, एंड ऑल द एयर अ सॉल्म स्टिलनेस होल्ड्स, और जो एयर है, सारी जो वातावरण है, समस्त वातावरण है, उसमें सॉल्म स्टिलनेस होल्ड्स। सॉल्म क्या हो गया फ्रेंड्स, सॉल्म का मतलब हो गया सीरियस, और स्टिलनेस हो गई कामनेस, शांति, और होल्ड्स क्या हो गया, हेल्ड यानी पकड़ना, पकड़ती है। समस्त जो वातावरण है वो एक भयानक, एक भयावह जो शांति है उससे व्याप्त है, यानी अब क्या है, धीरे धीरे अंधेरा फैल जाता है, भूदृश्य से वो जो भूदृश्य है वो आँख से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, और समस्त वातावरण में एक शांति दिखाई पड़ती है, शांति व्याप्त हो जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स, से वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट एंड ड्रोसी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फोर्ट्स, और यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए, से वेयर द बीटल, बीटल जानते हैं फ्रेंड्स, बीटल किसको कहते हैं, बीटल होता है गुबरेला, क्या गुबरेला एक तरह का गोबर में पाए जाने वाला एनिमल होता है, छोटा एनिमल क्या, एक इंसेक्ट होता है कीड़ा, जिसको गुबरेला कहते हैं, बीटल। और बीटल क्या है, व्हील्स इज ड्रोनिंग फ्लाइट, ड्रोनिंग फ्लाइट यानी जो गुबरेला है बीटल का एक गुंजन, एंड ड्रोसी टिकलिंग, और ड्रोसी कहते हैं बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल निंद्रालु कहना चाहिए, निंद्रालु, क्लियर फ्रेंड्स। और टिंकलिंग कहते हैं एक जो स्लीप बेल्स होती है उनकी आवाज, और डिस्टेंट कहते हैं दूर, और एक वर्ड और आया है फ्रेंड्स, लल, लल का मतलब होता है लोरी गाकर सुला देगा, क्लियर। यानी इस सौम्य आकाश में, ये जो सौम्य शांति भरा जो आकाश है, इसमें जो बीटल की साउंड है, यानी जो आप कह सकते हैं भोरे के जो गुंजन है, और इसी के साथ साथ ड्रोनिंग फ्लाइट हो गया, एंड ड्रोसी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फोर्ड, और जो ड्रोसी टिकलिंग है यानी कहीं दूर, जो कहीं बाड़े में भेड़ों के गले से, जो भेड़ों के गले में बंधी हुई घंटियां हैं उनकी जो आवाज है वो सुनाई पड़ती है, यानी इस ये जो वातावरण है, यहाँ ऑथर कहना चाह रहे हैं, जैसे अंधेरा फैल जाता है, भूदृश्य आंखों से ओझल हो जाता है,
और संपूर्ण वातावरण में एक शांति व्याप्त है। लेकिन ये जो शांति है ये भंग होती है, किससे भंग होती है? उस बीटल की फ्लाइट से, उस गुबरेले की फ्लाइट से, उस भोरे के गुंजन से आप कह सकते हैं। और दूसरी चीज है जो भेड़ों के गले में जो बंधी हुई घंटी है उसकी आवाज से जो कहीं दूर से सुनाई पड़ती है, उससे ये जो घंटी है वो जो वातावरण की शांति है वो भंग होती है। क्लियर फ्रेंड्स? स्टिंजा। चलिए बढ़ जाते हैं थर्ड स्टिंजा पे। सेव दैट फ्रॉम योंडर आई वी मेंटल्ड टावर। योंडर कहते हैं दूर, और जो वर्ड है आई वी मेंटल्ड टावर, आई वी कहते हैं फ्रेंड्स आई वी मेंटल्ड, और आई वी मेंटल्ड का मतलब होता है कवर्ड विद आई वी। और आई वी क्या है? एक लता होती है जिसे कहते हैं सिंह पैंचे की लता, सिंह पैंचा। क्लियर? एक यानी एक लता है, बेल है, सिंह पैंचा। तो कह रहा एक आई वी सेव दैट फ्रॉम योंडर आई वी मेंटल्ड टावर, यानी आई वी की लताओं से आच्छादित। देखते हैं आगे। द मोपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन। और मोपिंग आउल, मोपिंग का मतलब है फ्रेंड्स डिमली विजिबल, यानी धीमे से कम चमकने वाला, डिमली विजिबल जो ना दिखाई दे। आउल डज टू द मून कंप्लेन, और मून कंप्लेन मीन्स एक कंप्लेन, किससे कंप्लेन हो रही है फ्रेंड्स? कंप्लेन हो रही है मून से। यानी अब समझ लेते हैं इसका मीनिंग। देखते हैं कि जो कब्रिस्तान में शांति दिखाई देती है उसमें क्या दिखता है हमें? आउल, जो उल्लू है, उल्लू की आवाज से वो जो शांति है, सेव दैट, सेव दैट का मतलब है वो शांति भंग होती है। और किससे? दो चीज यहां दिखाई देती है, एक तो आईवी मेंटल्ड टावर, एक आईवी से यानी जो लता से ढका हुआ जो टावर है, जो गिरजाघर में टावर है उससे। और दूसरा, मोपिंग आउल डज द मून कंप्लेंट, और जो विचार मन मग्न उल्लू है उसकी आवाज से ये जो शांति है ये भंग होती है। क्लियर फ्रेंड्स? बात समझ आई? चलिए। ऑफ सच एज वंडरिंग नियर हर सेक्रेट बावर मोलेस्ट हर एंसेंट सॉलिटरी वे। और ऐसा लगता है कि जैसे वो जो मोपिंग आउल है वो क्या करता है? एक कंप्लेंट करता है। किससे करता है? मून से कंप्लेंट करता है। और किस लिए सब कंप्लेंट कर रहा है? वो कह रहा है, मानो वो कह रहा है कि जो मेरा आरामदायक घोंसला है, जो एकांत में बना था, उस एकांत में मेरे घोंसले में जहाँ मैं शासन करता था, मुझे परेशान किया जा रहा है। मीन्स जो साउंड है उसके द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। क्लियर? यानी मोलेस्ट यूज कर रहा वर्ड वहाँ, मोलेस्ट हर एंसेंट सॉलिटरी रेन, सॉलिटरी रेन की जो मेरा एकाकी शासन है, तो मुझे उस एकाकी शासन में मीन्स आरामदायक जो मेरा घोंसला है उसमें मुझे परेशान किया जा रहा है। सीक्रेट बाबा, क्लियर? सीक्रेट बावर, जो मेरा सीक्रेट है, एक गुप्त जगह पर मैं रहता हूँ, और वहाँ जो घोंसला है मेरा एकांत में बना हुआ, उसमें मुझे परेशान किया जा रहा है। किसके खिलाफ कर रहा है? लोगों के खिलाफ शिकायत कर रहा है, चंद्रमा से वो शिकायत कर रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? तो अगर ओवरऑल स्टेंजा देखें तो ऑथर कहना चाह रहा है कि जो कब्रिस्तान की शांति है, जो भयावह शांति है, वो एकाकी और विचार मग्न उल्लू की आवाज से भंग होती है। जो आईवी लताओं से आच्छादित गिरजाघर में घंटा घर की आवाज से कह रहा है, आवाज के प्रति शिकायत कर रहा है, और मानो शिकायत चंद्रमा से वो कर रहा है, कह रहा हो कि जहां मैं शासन करता हूँ, मेरा जो आरामदायक घोंसला है, जहां मैं शासन करता हूँ, उसमें मुझे अब परेशान किया जा रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए बढ़ जाते हैं आगे। बनी दोज रग्ड एम्स दैट यू ट्री ट्रेट। बनी दोज रग्ड एम, बनी कहते हैं नीचे अंडर, और दोज रग्ड, रग्ड कहते हैं फ्रेंड्स ऊबड़ खाबड़, यानी जो हैविंग रफ बाक, यानी जो
पेड़ों की छाल होती है वो रफ होती है, तो वहां रग्ड एम्स। और एम्स क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का पेड़ होता है, एवरग्रीन ट्री होता है, पाइन की तरह से, दैट यू ट्रीज शेड। और यू ट्रीज की बात करें, यू ट्रीज क्या है, ये भी चीड़ के प्रकार का एक पेड़ होता है फ्रेंड्स। तो ये कहना चाह रहा है कि जो एम्स के पेड़ है, एम्स के पेड़ पेड़ों के नीचे, और जो यू ट्री है, यू ट्री की छाया में क्या दिखाई पड़ता है, रग्ड, जो रग्ड एम्स और यू ट्री की छाया में जो गरीब गांव वाले हैं, निर्धन गांव वाले हैं, उनकी जो कब्र है वो दिखाई देती है। क्लियर, क्योंकि कब्रिस्तान में पोएट खड़ा हुआ है, वेयर हीव्स द टॉफ इन मैनी ए माउल्डरिंग हीप, वेयर हीव्स द टॉफ इन मैनी ए माउल्डरिंग हीप, हीव्स द टॉफ। जो टॉफ है, टॉफ का मतलब क्या है फ्रेंड्स, द जो ग्राउंड है, ग्राउंड राइजेस हाई, हीव्स द टॉफ, जो ग्राउंड है वो क्या होती है वहां, मीन्स ये मान के चलिए आप, जैसे कब्र होती है, कब्र में क्या होता है, जगह जगह उभार दिखाई देते हैं जमीन पर, वेयर हीव्स द टॉफ, टॉफ कहते हैं घास, इन मैनी ए माउल्डरिंग हीप, माउल्डरिंग कहते हैं उभरे हुए, माउल्ड होना, ढले हुए, उभरे हुए। क्लियर फ्रेंड्स, तो माउल्डरिंग हीप, जो ढले हुए, जो ढेर दिखाई देते हैं, यानी जो गांव वाले हैं उनकी जो कब्रें हैं वो दफनाए हुए हैं यूटी के नीचे और एम्स के पेड़ों के नीचे, और वहां जो सूखी घास के मैदान भी दिखाई देते हैं, और जो कब्र है वो कैसी है, वो टूटी फूटी है। क्लियर, कब्र कैसी है, वह टूटी फूटी है, और जो मिट्टी के ढेर वहां दिखाई पड़ते हैं, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, और प्रत्येक गांव वाला अपनी छोटी सी कोठरी में, अपनी छोटी सी कब्र में वो हमेशा के लिए लेटा हुआ है। यानी ये जो मरे हुए लोग हैं गांव के, जो मृत हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमेशा के लिए अपनी कब्रों में विश्राम कर रहे हैं, जो बहुत पहले दफनाए जा चुके। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेलमेट्स हेमलेट स्लीप, और रूड फोर फादर्स, रूड कहते हैं अनपढ़, निर्धन, बेचारे, असभ्य, फोर फादर्स कहते हैं पूर्वज, जो पूर्वज हैं ऑफ द हेमलेट, इस छोटे से गांव के, वो सोए हुए हैं। यानी यहाँ ऑथर कहना चाह रहा है कि जो निर्धन, पूरी स्ट्रेंजर की बात करें कि जो निर्धन गांव वाले हैं उनके पूर्वज इन साधारण कब्रों में दबाए हुए हैं, और उनकी कब्र जो है वो एम पेड़ के नीचे और यू पेड़ की छाया में, जो सूखी घास के मैदानों में है। ये कब्रें छोटी हैं और कैसी हैं, अब टूटी फूटी सी है। क्लियर फ्रेंड्स, छोटी हैं, टूटी फूटी सी हैं, ये गांव वालों के पूर्वज बहुत पहले दफनाए हुए हैं और अब अपनी कब्रों में ये विश्राम कर रहे हैं। और ये जो कब्र है, अब क्या दिखाई पड़ती है, ये मिट्टी का ढेर जो है वो दिखाई पड़ती। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्टेंजा की अगर ओवरऑल बात करें तो ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जो प्रातः की आनंददायक मंद मंद सुगंधित हवा है, जो सुगंध फैलाती हुई हवा है, और स्वेलो की जो तिनके हैं, तिनकों से बना हुआ घोंसला है, उससे स्वेलो की चहचहाहट, या मुर्गे का तीखी बाघ, और या शिकारी का इकोइंग हॉर्न, इनमें से कोई सी भी एक्टिविटी, जो लोग हमेशा के लिए सो गए हैं, अपनी जो कब्र हैं, लोली बेड्स हैं, उनमें सोए हुए हैं, उनमें से कोई, इनमें से कोई भी एक्टिविटी उन लोगों को अपनी कब्र से नहीं जगा पाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे बढ़ जाते हैं। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ शेल बर्न, ब्लेजिंग कहते हैं फायरिंग, हार्थ कहते हैं चूल्हा, अब उनके लिए कोई चूल्हा नहीं जलेगा, यानी उनके लिए अब अंगीठी नहीं जलाई जाएगी, और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और जो गृहिणी है, जो बिजी हाउस वाइफ है, अब वो उनके लिए भोजन बनाने में व्यस्त नहीं होगी। क्लियर, यानी अब जो हाउस वाइफ है वो उनके लिए इवनिंग केयर, जो शाम को क्रियाकलाप है, शाम को जो भोजन बनाया जाना है उनके लिए, उनको वो नहीं बनाएगी।
नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न और क्लाइम हिज नीज द एनवीज किस टू शेयर। और आगे कहते हैं कि अब कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा शाम को अपनी जो लिस्प अपनी जो तुतलाती हुई भाषा का में उनका स्वागत करने के लिए अब कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा शाम को। शाम को पापा आते हैं तो बच्चे क्या होते हैं अपनी तुतलाती भाषा में अपने पापा के पास चले जाते हैं और वो उससे लिपट जाते हैं। मीन्स अब ये एक्टिविटी भी नहीं होंगी। और क्लाइम हिज नीज मीन्स अब कोई बच्चा उनके घुटनों पर नहीं चढ़ेगा। द एनवीज किस टू शेयर, और कैसे एनवीज किस अपने पिता को अब नहीं कर पाएगा। एनवीज किस, देखिए एनवीज किस का मतलब है ईर्ष्यालु, जो किस है वो नहीं करेगा। मीन्स अब बच्चे होते हैं, एक दो बच्चे अगर हैं, मोर देन वन होता है, तो क्या होता है कि जब शाम को फादर उनके लौटते हैं तो बच्चे दौड़ पड़ते हैं, पापा से चिपट जाते हैं और फिर वो नींद पे चढ़ के ईर्ष्यालु की, नहीं पहले पापा को मैं प्यार करूँगा, पहले मैं करूँगा। तो अब इनमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, से समझा? तो चलिए, लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया और एक्चुअली ये जो लेजी है ये भी काफ़ी लेंदी है। अभी काफ़ी और स्टेंजा हमें कवर करने हैं एक ही लेक्चर में, तो काफ़ी लेंदी लेक्चर हो जाएगा। तो चलिए, बाकी आगे कुछ स्टेंजा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें, समझ आया कि नहीं आया, और आगे बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर इस आपको मिलेगा उसमें हम आगे और स्टेंजा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।